Hello everyone, I am Yachika from online industrial training at PureCS. Today I want to you tell about how to make a registration form in HTML. This video is only for those students which have only Android phone. So without wasting any time, let's start our video. How to make a registration form. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए हम HTML एडिटर पर चलते हैं. HTML एडिटर को हमें पहले प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिसने इंस्टॉल नहीं करा है वो प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लेगा जिसको भी वर्क करना है उस पर. तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं डायरेक्ट HTML एडिटर पर चलती हूँ. यहाँ पर जाके मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोडिंग भी लिख रखी है, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम HTML एडिटर पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोडिंग लिखेंगे. जो हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वो उसकी कोडिंग कैसे करी जाती है. ओके, लेट स्टार्ट. ये मैंने अपनी फाइल पहले की सेव कर रखी है. मैं ये ओपन पे जाके अपनी पहले वाली फाइल ओपन करती हूँ. इसमें मैंने कर रखा है, सारी कोडिंग लिख रखी है. ओके, तो ये मेरा हाउ टाइटल हो गया, हाउ टू रजिस्टर मेक अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML. ओके, फिर ये मैंने सेंटर लगा रखा है ताकि सारा फॉर्म जो है मेरा वो सेंटर में आए, पेज के सेंटर पे बिल्कुल. ओके, ये फील्ड सेट मैंने इसलिए कर रखा है ताकि जितना भी मुझे जो लिखना है वो मेरे एक बाउंड्री के अंदर आए. और लीजन टैग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लीजन टैग के उससे सारा के सारा जो बाउंड्री लगाई है मैंने उसके बीच में ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है. इन दो चीज़ों का यूज़ हम इसलिए करते हैं. बी का बोल्ड करने के लिए करा गया है ताकि जो नेम है हमारा वो बोल्ड रहे. इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट इसलिए दे रखी है ताकि हम उसके अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकें, अपना नाम फिल कर सकें. BR मैंने ब्रेक करने के लिए लगाया है, और ये दोबारा मैंने वही प्रोसेस कर रखी है, मदर नेम फादर नेम. और ये फिर मेरा ये सिलेक्ट जेंडर में मैंने रेडियो बटन लगाया है क्योंकि हम जब जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो मेल फीमेल या अदर्स एनी पर्सन जो एक ही जेंडर सेलेक्ट करता है तो उसके लिए हमें एक पे ही क्लिक कर सकते हैं. जैसे कि हम टिक ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, एक ही हम कर सकते हैं, तो उसी तरीके से एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें मैंने डाल रखा है, बोल्ड कर रखा है जेंडर को, सेलेक्ट जेंडर्स को. इनपुट टाइप में मैंने रेडियो डाला है ताकि मैं एक को ही सिलेक्ट कर सकूँ. नेम डाला हुआ है जेंडर फिर मेल. फिर दोबारा इनपुट टाइप मैंने रेडियो डाल के नेम डाला है जेंडर फिर फीमेल. इनपुट टाइप करके फिर जेंडर डाला हुआ है, फिर डाला हुआ है अदर्स, फिर मैंने इसे ब्रेक कर रखा है. ओके, फिर मैं यहाँ तक कि आपको आउटपुट भी दिखाना चाहती हूँ. ये आउटपुट, ये जूम करती हूँ थोड़ा सा. ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि फील्ड सेट मैंने क्यों यूज़ करा था कि ये बाउंड्री दिखाई दे रही होगी आप सबको सबमिट बटन के नीचे तक लाइन वाली, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा है उसके आगे और पीछे वाली लाइन, ये सारी बाउंड्री है. और ये बोल्ट का मैंने इसलिए यूज़ करा था, नेम के आगे मैंने बोल्ट लगाया था, बी लगाया था, तो इससे ये डार्क हो चुका है. ओके, तो ये सिलेक्ट देखा आपने. मैं देखिए अभी मेल को सिलेक्ट करती हूँ और फीमेल को सिलेक्ट करती हूँ एट अ वन टाइम, ओनली सिलेक्ट अ वन थिंग. ओके, फिर हम बैक होते हैं. फिर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ पक्का पूछते हैं. ये है ही कि डेट ऑफ बर्थ तो हमें फिल करनी है ही. तो हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ को बोल्ड करने के लिए बी का यूज़ करा है, जैसे कि हम पहले से करते हुए आए हैं. तो ये मैंने कर रखा है सिलेक्ट नेम में डेट ऑफ बर्थ की डेट कि हमें कौन कौन सी डेट डालनी चाहिए. इसमें 1 to 30 डेट डाली जाती है, जो कि मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इसकी कोडिंग को. मैंने 1 to 5 ली हुई है. तो ऑप्शन वैल्यू 1, फिर टैग को क्लोज करके फिर 1 डाल के ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया गया एट्रीब्यूट को. ओके, ये 1 to 5 प्रोसेस ऐसे ही होता रहा है. फिर मंथ के लिए भी ये करना पड़ा है हमें, सिलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ न मंथ. ओके, ये ऑप्शन में ये टैग खुला हुआ है, एट्रीब्यूट है ये, जैन फैब मार्च अप्रैल मई, इन सब के लिए भी मैंने यही प्रोसेस करा हुआ है. अब मैं जो ईयर डालूँगी उसके लिए भी मेरा यही प्रोसेस रहेगा, सिलेक्ट नेम. ओके, सिलेक्ट नेम में आप देख रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ ईयर ऑप्शन, जो प्रोसेस मैंने डेट के लिए
मंथ्स के लिए करी थी, वही प्रोसेस मुझे इसके लिए करनी पड़ेगी ईयर्स के लिए। ओके, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये कैसा आएगा, ये आउटपुट। ये आउटपुट देखिए, ये रही, ये डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपकी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। अगर जैसे मैंने अब इसके अंदर इनपुट डाली हुई थी 1 to 5, 1 to 30 डालते तो आपके ऑल ऑफ द डेट्स यहाँ आ जाती। तो ये मेरी 4, यहाँ 4 आ गया। मंथ में डालूँगी मैं अप्रैल, तो ये अप्रैल आ गया। और ईयर में डालूँगी 1950, तो ये 1950 आ गया। इतना वर्क यहाँ तक मैंने करा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। अलाइन सेंटर करने के लिए, राइट करने के लिए मैंने एट्रीब्यूट अलाइन का यूज़ करा। ओके, और बटन का भी यूज़ करा मैंने, बटन टैग का, ताकि क्योंकि हम कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट तो हमें करना पड़ता है जब हम ऑनलाइन करते हैं, तो इसलिए हम एक साइड में फॉर्म फिल करने के बाद, सारे प्रोसेस होने के बाद लास्ट में लिखा आता है, या तो नेक्स्ट लिखा जाता है कि हमें कुछ और भी फिल करना हो, या फिर सबमिट लिखा आता है। तो ये मैंने सबमिट बटन का यूज़ करा। अब सबमिट बटन का यूज़ करने के बाद ये ऐसा आता है, सबमिट बटन का यूज़ करने के बाद ये सबमिट बटन ऐसा होगा। इस आप ये सोच रहे हो कि इसको सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं जा रहे, ये भी मुझे लिंक तैयार करना पड़ेगा, और ये लिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक हो तो मुझे पक्का बताएं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है।